नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि दोस्तों आप महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं और दोस्तों आप जो है अपना राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि दोस्तों आपने जो है अपना राशन कार्ड बनवाने को दिया है या दोस्तों आपने अपने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या करेक्शन कराया है और दोस्तों आप जो है अपने राशन कार्ड की स्थिति को जानना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से जो है राशन कार्ड स्टेटस को चेक किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने महाराष्ट्र राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने फोन की ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है AEPDS महाराष्ट्र, AEPDS महाराष्ट्र लिख के आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप दोस्तों इतना लिख के सर्च करते हो तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर mahaepidos.gov.in। अब आपको सिंपली दोस्तों इस वाली साइट पे जो है पहली वाली साइट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र राज्य की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड स्टेटस जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड में राइट लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा आरसी डिटेल्स का। तो आपको सिंपली इस आरसी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पर आरसी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक और नया पेज आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपको जो है कैसे अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक कर पाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आरसी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपने कब करेक्शन कराया है, किस महीने में आपने आवेदन किया है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है अप्रैल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अप्रैल में ही कराया है। और यहाँ पर आपको किस सन में आपने कराया है वो भी यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है SRC नंबर का, तो या इसका मतलब होता है राशन कार्ड नंबर, या दोस्तों आपने जो है कभी ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको नोट करके यहाँ पर जो है इसको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो अपना SRC नंबर डाल देता हूँ। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली सबमिट बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके राशन कार्ड की पूरी डिटेल्स निकल के आ जाएगी, पूरा स्टेटस आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो यूनिट है 7 है और क्या क्या उनके नाम है, और यहाँ पर मेल फीमेल भी देखने को मिल जाता है, कितनी उनकी यहाँ पर उम्र है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किन लोगों का यहाँ पर आधार कार्ड लिंक है, किन लोगों का नहीं है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 लोगों का यहाँ पर जो है आधार कार्ड लिंक है, बाकी यहाँ पर 3 लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर इंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितना आपको राशन कितना मिलता है, यहाँ पर आपको वेट कितना मिलता है, राइस कितना मिलता है, और आपको कितना कितना सब राशन मिलता है वो भी आप यहाँ पर जानकारी देख पाओगे। इस तरह से आप यहाँ पर नीचे आओगे, सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने महाराष्ट्र राशन कार्ड का स्टेटस जान पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।